चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जयप्रदा की साल 1985 से लेकर साल 1988 में आने वाली सभी बड़ी फिल्मों के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में जाना था साल 1979 से लेकर साल 1984 की सभी बड़ी फिल्मों के बारे में, लेकिन हम आज की वीडियो में बात करेंगे जयप्रदा के करियर की साल 1985 से लेकर साल 1988 तक इनने कितनी फिल्मों में काम किया था, कितनी गई थी, कितनी फ्लॉप थी। दोस्तों, सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। इनकी अगली फिल्म आई थी साल 1985 में, फिल्म का नाम था संजोग। ये मूवी साल 1985 में आई थी। ये फिल्म, इसमें हमें नजर आए थे जयप्रदा के साथ जितेंद्र अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें संजोग मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट जो था वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के बजट में थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 5.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1985 में, फिल्म का नाम था होशियार। ये मूवी साल 1985 में आई थी। फिल्म, इसमें हमें नजर आए थे जयप्रदा के साथ शत्रुघ्न सिन्हा, मीनाक्षी और जितेंद्र अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट जो था वो 2.5 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4.75 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड से इस मूवी ने 5.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट करार दी गई थी। आई थी साल 1985 में, फिल्म का नाम था जबरदस्त। ये मूवी साल 1985 आई थी। फिल्म, इसमें हमें नजर आए थे सन्नी देओल के साथ जयप्रदा और अंग्रेज पुरी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि जबरदस्त मूवी का बजट जो था वो 3 करोड़ रुपए था। बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3.25 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 2.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। आई थी साल 1985 में, फिल्म का नाम था हकीकत। ये मूवी साल 1985 में आई थी। फिल्म, इसमें हमें नजर आए थे जयप्रदा, जितेंद्र, राजबब्बर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बजट में नहीं थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4.75 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 4.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1985 में, फिल्म का नाम था मेरा साथी। ये मूवी साल 1985 में आई थी। फिल्म, इसमें हमें नजर आए थे जितेंद्र के साथ जयप्रदा अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें मेरा साथी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 2.5 से 3 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 4.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1986 में, फिल्म का नाम था आखिरी रास्ता। ये मूवी साल 1986 में आई थी। फिल्म, इसमें हमें नजर आए थे जयप्रदा, अनिता बच्चन और इसमें श्रीदेवी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 2.5 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3.25 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 4.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक सुपर डुपर हिट करार दी गई थी। फिल्म आई थी साल 1986 में, फिल्म का नाम था सुर्ख से सुंदर। ये मूवी साल 1986 में आई थी। फिल्म, इसमें जयप्रदा, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती के साथ मधुबनी कोल्हापुरी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4.75 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने
6.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर डुपर हिट करार दी गई थी। फिल्म आई थी साल 1986 में। फिल्म का नाम था मुद्दत। ये मूवी साल 1986 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आई थे पद्मनी कोल्हापुरी और मिथुन चक्रवर्ती के साथ जयपर्दा अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5.77 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 6.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट करार दी गई थी। साल 1986 में। फिल्म का नाम था प्यार के दो पल। ये मूवी साल 1986 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आई थी जयपर्दा, मिथुन चक्रवर्ती अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, वजन के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए था। बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4.75 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 5 करोड़ रुपए से कम का कलेक्शन किया था और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1987 में। फिल्म का नाम था औलाद। ये मूवी साल 1987 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आई थी जयपर्दा, जितेंद्र अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 2.5 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4.75 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 5.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1987 में। फिल्म का नाम था इंसाफ कौन करेगा। ये मूवी साल 1987 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे जयपर्दा, रजनीकांत, धर्मेंद्र और माधवी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4.75 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 7 करोड़ रुपए की कमाई की थी और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट करार दी गई थी। आई थी साल 1988 में। फिल्म का नाम था मर्दों वाली बात। ये मूवी साल 1988 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे जयपर्दा के साथ धर्मेंद्र, संजय दत्त, डैनी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 3 से 2.5 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 5.44 करोड़ रुपए की कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट करार दी गई थी। आई थी साल 1988 में। फिल्म का नाम था गंगा तेरी देश में। ये मूवी साल 1988 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे धर्मेंद्र के साथ, जयपर्दा और कादर खान के साथ शत्रुघ्न सिन्हा और इसमें डिंपल कवाड़िया अहम किरदार में थी। इस फिल्म का बजट 2.5 करोड़ रुपए था। बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3.5 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड से इस मूवी ने 4 करोड़ रुपए की कमाई की थी और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1988 में। फिल्म का नाम था गंगा जमुना सरस्वती। ये मूवी साल 1988 में आई थी। फिल्म इसमें जयपर्दा के साथ मीनाक्षी अंग्रेजपुरी, मिथुन चक्रवर्ती के साथ अनीता वचन अहम किरदार में थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म आई थी साल 1988 में। फिल्म का नाम था घर घर की कहानी। ये मूवी साल 1988 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे जयपर्दा के साथ शक्ति कपूर, कादर खान, गोविंदा और फरानाज अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट जो था वो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5.5 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 6 करोड़ रुपए की कमाई की थी और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी हिट करार दी गई थी। और दोस्तों इसमें जो जयपर्दा और गोविंदा साहब का जो किरदार था काबिले तारीफ था, बहुत ही लाजवाब था और इसी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट करार दी गई थी। तो ये रही जयपर्दा के करियर की कुछ बड़ी फिल्में। तो दोस्तों आज की वीडियो में
में हमने जयप्रदा के करियर की साल 1985 से लेकर साल 1988 की सभी फिल्मों में बात की है, यानी कि जयप्रदा ने साल 1985 से लेकर साल 1988 तक कितनी फिल्मों में काम किया था। तो आज की वीडियो में हमने सभी जानकारी दे दी है। दोस्तों जो फिल्में रह गई हैं वो अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपकी इन सभी बड़ी फिल्मों में से कौन सी मूवी आपके ज़्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आप हमारी वीडियो को किस जिले कहाँ से देखते हैं। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।